हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वोल्टास का डेट 10 का विंडो एसी के बारे में बताएंगे दोस्तों, और इसके जो पार्ट हैं उनके नाम बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा वोल्टास का विंडो एसी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके सभी पार्ट के बारे में बताएंगे। ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों, ये फ़ैन की कम ज़्यादा की है दोस्तों, स्लो मीडियम लो, ठीक है दोस्तों। ये स्विंग का है और ये अप डाउन टेम्परेचर का है दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्लोर है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्लोर है, ठंडी हवा आएगी यहाँ से दोस्तों। ये देखिए इसका ब्लोर है, ये क्वेल है दोस्तों। और नीचे देख सकते हैं इसका सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर दोस्तों। और साइड में देख सकते हैं ये क्वेल सेंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। ये आगे का इवेपोरेटर है इसका, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम मोटर के बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ से देखिए, पीछे इसके फंगड़ी लगी हुई है, आगे इसके ब्लोर लगा हुआ है। तो ये मोटर है दोस्तों, इसकी जो विंडो एसी है हमारा, उसकी मोटर है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो इसके कनेक्शन भी, इसके ऊपर जो लेवल लगा हुआ है उस पर दे रखे हैं दोस्तों, स्लो हाई मीडियम, इसकी स्पीड भी इस पर दे रखी है उसके कनेक्शन दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी फ़ैन मोटर है इसकी दोस्तों, जो हमारा एसी है दोस्तों। साइड में देख सकते हैं कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ दोस्तों देखिए ऑयल फिल्टर भी लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ऑयल फिल्टर बोलते हैं। बैक साइड में देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर है दोस्तों, ठीक है। बैक कॉइल है, इसे बैक कॉइल बोलते हैं। जो ये साइड में कॉपर की कॉइलें लगी हुई होती हैं दोस्तों, और इसमें जो बीच में स्ट्रग लगे होते हैं दोस्तों, इसे फिलिप्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसकी फंगड़ी है दोस्तों, जो इसको ठंडा करती है दोस्तों, ताकि अंदर की जो हीट इसके इवेपोरेटर से जाके कंडेंसर में जाती है पिछली साइड दोस्तों, वहाँ से इसको ठंडा करती है। यहाँ पे इसकी स्विंग मोटर लगी हुई है दोस्तों, जो फ्लिप्स को राइट और लेफ्ट साइड करती है इसकी दोस्तों। वोल्टास का यहाँ पर लेवल लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं दोस्तों इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। डेट 10 का एसी है दोस्तों, और इसमें R22 गैस है दोस्तों, ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन है इसके अंदर R22 है दोस्तों। एम्पेयर ये 8.4 लेगा, ठीक है। तो वाट में दोस्तों 48 दे रखे हैं वाट दोस्तों। और ये हमारा कंप्रेसर है, देख सकते हैं कंप्रेसर में, ये साइड में देख सकते हैं इसकी क्वेलें हैं दोस्तों, और इसमें जो कॉपर की जो पाइपें लगी हुई होती हैं। और ये हमारा कंप्रेसर है, इसका लेवल भी दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी तीन वायर हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग दोस्तों, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें R22 गैस है। तो दोस्तों, ये जो हमारा एसी है, विंडो एसी है दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसके सभी जो जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, सारे के बारे में बता दिए दोस्तों। इसका जो गैस चार्जिंग कैसे करें, इसे रिपेयर कैसे करें दोस्तों, इसकी सर्विस कैसे करें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो में आपको क्या समझ आया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा विंडो एसी है, देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो फिटिंग है कैसे करें, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये इसका ब्लोर है दोस्तों, यहाँ से ठंडी हवा आएगी, ठीक है दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा ये एसी है दोस्तों, इसके अंदर देखिए साइड में ब्लोर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लोर लगा है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।